ये जो हमारा मॉडल है वो रिसाइकलिंग ऑफ पॉलीमर्स पे बेस्ड है। जो पॉलीथीन होती है वो हमारे एनवायरनमेंट पर काफ़ी नुकसान करती है, लेकिन इनका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको हम छोड़ भी नहीं सकते। तो इस मॉडल के थ्रू हम पॉलीथीन को यूज़ भी कर लेंगे, इससे हमारे एनवायरनमेंट को फ़र्क भी पड़ेगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। तो ये हमारी शेडिंग मशीन है, यहाँ पॉलीथीन छोटे छोटे पीसेस में कट होती है। छोटे छोटे पीसेस में कट होने के बाद इस चैम्बर में जाके यहाँ पॉलीथीन को बर्न करते हैं। बर्न होने के बाद जो उसकी लिक्विड फॉर्म होती है वो इसमें कलेक्ट होती है, इसमें हम सैंड मिलाने के बाद कंस्ट्रक्शन काम में ले सकते हैं, रोड ब्रिजेस टाइल्स वगैरह बनाने के लिए। और जो गैस होती है वो इस कंटेनर दोनों कंटेनरों में जाती है। इस कंटेनर में पानी है, CO2 पानी के साथ रिएक्ट करती है, मिक्सचर बनाती है कार्बोनिक एसिड का, जिसको हम मस्ट कॉटन में से पास कराते हैं। तो ये मस्ट कॉटन में से पास होती है तो कार्बन ऊपर जम जाता है और नीचे हमारा कार्बोनिक एसिड मिल जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होती है, इसमें भी पानी है, CO2 पानी के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड का मिक्सचर बनाती है, और इधर कार्बन कलेक्ट होता है, नीचे कार्बोनिक एसिड, इधर से फिर प्योरीफाइड गैस निकल जाती है। और इसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसमें एक और कंटेनर है, जो गैस होती है वो कंटेनर में जाती है, पानी उसको कंडेंस कर देता है, कंडेंस होने के बाद इधर से हम पेट्रोल मिल जाती है, फ्लेमर गैस मिल जाती है। और जो कार्बन होता है उसको हम काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और रोड वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और कार्बोनिक एसिड को काफ़ी सारे केमिकल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल को ऑटोमोबाइल्स में, फ्लेमर गैस जलाने का काम यूज़ कर सकते हैं। अपना नाम बताएं, क्लास बताएं। मेरा नाम हर्ष चौधरी, फ्रॉम क्लास 12, फ्रॉम मदन मोहन क्लाउ सरदार विद्या मंदिर। मेरा नाम नीलेश शर्मा, फ्रॉम क्लास 12, फ्रॉम मदन मोहन क्लास 12 सरस्वती विद्या मंदिर।